नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज वंदना जी बनाने वाली हैं आलू और टमाटर की रसे वाली सब्ज़ी। इसके लिए मैंने लिया है ये 300 ग्राम टमाटर लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से बीच से कट कर लिया है इस तरीके से। और दो लिया है उबला हुआ आलू, बॉयल्ड आलू, इसको मैं छील लूँगी। और मसाले के लिए मैंने लिया है सरसों लिया है, पीली सरसों, थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने, 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, एक टी स्पून के बराबर लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर लिया है। इन सभी चीज़ों को मैं इस ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी। सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूँगी, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाऊँगी। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैं डालूँगी सरसों का तेल। तेल जब लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर होगा, तेल जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैं डालूँगी इन टमाटरों को फ्राई करने के लिए। सभी टमाटरों को इसी तरीके से मैं डाल दूँगी। टमाटरों को मैंने अच्छे से धो लिया था, धो के पोंछ लिया था, पोंछ कर तब मैंने कट किया है। सभी टमाटरों को एक साथ डाल दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी, आँच को कम कर दूँगी, गैस की फ्लेम कम कर दूँगी, मीडियम कर दूँगी और इसको 2-3 सेकेंड के लिए पकने दूँगी। फिर मैं उसको पलट कर दूसरी तरफ पकाऊँगी। टमाटर को पकते हुए 5-6 सेकेंड के आसपास हो गए हुए हैं, अब मैं इसको पलट लूँगी। पलट कर दूसरे साइड से अच्छे से पका लूँगी इसको। इसको 3-4 सेकेंड के लिए ऐसे ही ढक के पका लूँगी। टमाटर को दूसरी साइड से पकते हुए 4-5 सेकेंड हो गया है, अब ये फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे इसी बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। मैंने इन सभी टमाटरों को निकाल कर रख लिया है। अब इसी तेल में, अभी इसी तेल के अंदर मैं पंचफोरन डालूंगी। इस पंचफोरन के अंदर है सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी और राई। मसाला को मैंने पीस के तैयार कर लिया था, अब मैं इसके अंदर मसाले को डाल दूंगी। इस ग्राइंडर जार को धो करके मैं डाल दूंगी। अच्छे से इसको भूनूंगी। मसालों को 2-3 मिनट भूनने के बाद जब इसमें से तेल छूटना शुरू हो जाए तब उस स्टेज में मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी और साथ ही मैं डालूंगी स्वाद के हिसाब से नमक। आप हमेशा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1 छोटा चम्मच टी स्पून के बराबर डाला है। इसको 1-2 सेकेंड तक भूनने के बाद मैं इसमें गरम किया हुआ पानी डाल दूंगी। यह बिल्कुल भून कर तैयार है। अब सबसे पहले मैं ये इन आलूओं को इसमें डाल दूंगी।
आलू को मिलाने के बाद साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें गरम किया हुआ पानी, ताकि इसमें जल्दी से बॉयल्ड आ जाए। कभी भी आप सब्ज़ी में ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, हमेशा गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें आप। मेरे घर में इस सब्ज़ी को चावल के साथ बहुत पसंद किया जाता है, तो मैं चावल के साथ बनाने वाली हूँ इसको। इस वजह से मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, पतली ग्रेवी रखूँगी। अब जब इसमें उबाल आ जाए तब इसके अंदर मैं इन फ्राई किए हुए टमाटर को डाल दूंगी। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इसको ढक दूंगी, ढककर 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए पकने दूंगी इसको, क्योंकि इसमें तो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ है। टमाटर भी फ्राई किए हुए हैं और आलू भी बॉयल किया हुआ है, तो इसमें कुछ पकने का कोई बात ही नहीं है। इसको बस ऐसे ही 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के इसको रखूँगी मैं, और आँच को थोड़ा कम कर दूँगी। इस सब्ज़ी को पकते हुए 2-3 मिनट के आसपास हो गए हुए हैं। अब यह सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, यह सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इस सब्ज़ी को चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी बनती है। सिंपल से पराठा, प्लेन पराठा के साथ, और सबसे अच्छी तो ये स्टीम राइस, बॉयल्ड राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, टमाटर आलू की सब्ज़ी। प्लीज़ आप एक बार इस तरीके से, ये बिल्कुल 5 से 6 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है, झटपट सी बनती है, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है इसमें। तो प्लीज़ आप इस तरीके से, मैंने जो सरसों का जो मसाला तैयार करके मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है, प्लीज़ आप उस तरीके से ही इस सब्ज़ी को बनाएं और खाएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह सब्ज़ी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी झटपट सी बनने वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी, सरसों के मसाले वाले आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।